भारत विकास परिषद शाखा हिम्मतनगर से राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के यहाँ परिसर में दिव्यांगों का मेडिकल कैंप लगा के आप सबने बहुत बड़ा काम किया है। मैं मंच पर भारत विकास परिषद के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता विराजमान हैं, उनका वनवासी कल्याण परिषद की शाखा कोटला की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे कोटला नगर से कार्यकर्ता भी बता रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। वनवासी कल्याण परिषद का एक छोटा सा परिचय मैं दूंगा, जिस परिसर में हम यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ अध्ययन करते हैं। इस पूरे परिसर में हमारे एक गौशाला है, वो भी जन सहयोग से ही गौशाला का सारा संचालन होता है। पास में एक बंसाली ट्रस्ट और राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के संयुक्त तत्वाधान में एक मेडिकल सेंटर है, जहाँ साप्ताहिक कैंप लगता है और ऐसे निशा पालनों से डॉक्टर आते हैं। उनका आवाज पूरे विभागीय कार्यालय पूरे गुजरात प्रांत तक गूंजता था। एक लीडर के रूप में ऐसे जसुभाई देसाई, साथ में सुधीर भाई ने पहला डोनेशन लिया था, वो भी हमारे जॉगिंग बड़ी है, और साथ में जीतू भाई सोनी जिनको मैंने देखा, मणि भाई गोस्वामी और जैकी जिनको मैं लाड़ में जयकंता कहता हूँ, उनका नाम है, इनके पीछे भी चौधरी लगता है पटेल, इसलिए मैंने इनका नाम रखा है जयकंता। जैकी थोड़ा इंग्लिश लगता है। तो एक बात हुई, लेकिन आप सबके बिगर जो आप यहाँ आए हैं, इंग्लिश में पहले कहते थे हैंडीकैप, जब हम लोग अमेरिका में होटल चला रहे थे कपड़ों पे नाम था हैंडीकैप, लेकिन हैंडीकैप एक श्राप जैसा लगता था, भी अपंग। लेकिन बाद में जाके चिंतक होने से प्रोफेसरों ने कुछ कार्य किया होगा और हमने उसका नाम बदला और होटल के टाइटल पे भी नाम बदला गया कमरे पे, और हम कहते हैं फिजिकली चैलेंज, जिसको विकलांग भी कहते हैं हम। अच्छा है, इसका सदुपयोग कीजिए, मन से मत हारिए। आपको साइकिल मिलेगी, आपको पग मिलेगा, आपको हाथ भी मिलेगा, लेकिन मन से कभी हारिए नहीं। प्राणा जी वाणी में कहते हैं मन के हारे हारिए, जिसने मन को हार दिया उसने सब कुछ हार दिया। एक पैर नहीं है तो क्या हुआ, एक हाथ नहीं है तो क्या हुआ, आप तो हैं। मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहिबी, मन ही करे फजीत। मन से अपने आप, शायद उन्होंने लिखा भी नहीं होगा, इसलिए उसके ग्रंथ के पीछे लिखा स्मृति, तो जाने के बाद में जो लिखा जाता है उसको स्मृति कहते हैं। चार ही वर्ण है, एक श्वेत वर्णी है, एक पित्त वर्णी है, हम लोग जो है वो ब्राउन वाले जो है वो गौ वर्णी है, और एक है श्याम वर्णी। चार ही वर्ण है, गलती में मत रहिए। चार वर्ण जो है श्वेत वर्ण जो कॉकेशन कहते हैं, जो जिसको हम व्हाइट कहते हैं, दूसरे जो मंगोलियन है, जो नेपाल भूटान और मंगोलिया का फैला हुआ है, वो पित्त वर्णी है, उनको कहते हैं पीतांबरी, पित्त वर्णी येलो। बाकी के हम आगे ब्राउन, जो एशिया के अंदर मेनली ईस्ट एशिया के अंदर, और बाकी है अफ्रीका के जो है काले, जिसको हम कहते हैं श्याम वर्णी। तो बाकी की सारी चीजें भूल जाइए, उसमें एक ही हमारा ग्रंथ है जो वेद है, वेद को नीचे जाके जो स्मृतियां लिखी है उसके पीछे मत भागिए। जो मूल हमारा सनातन है वेद के साथ चलिए, और एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सबके अंदर एक ही ब्रह्म की लीला चल रही है, दूसरा कोई ब्रह्म है नहीं, और दूसरा ब्रह्म है तो ब्रह्म से बाहर आ जाइए, और एक ही ईश्वर को परिचय को लेकर के अपने आत्मा स्वरूप में बिठाइए, और अपने जीवन में वही परमात्मा की दी हुई प्राण शक्ति से आगे बढ़िए। ऐसी बात करते हुए मैं अपने बात को विराम देता हूँ, थोड़ा ज्यादा समय लिया हो तो आपसे क्षमा चाहता हूँ। रिस्पेक्टेड प्रवीण भाई,
अमीचंद काका, अशोक भाई तथा डायस पर विराजमान सर्वे मेहमान हो। भारत विकास परिषद ए की स्थापना 10 जुलाई 1963 दिल्ली खाते करवामा आवेली अने आ एक संगठन एवं है जेनी अंदर प्रबुद्ध अने समृद्ध लोग चार्टर्ड एकाउंटंट, डॉक्टर्स, इंजीनियर, बिल्डर्स अने समाजना जे प्रबुद्ध लोग है, समृद्ध लोग है, एनु एक संगठन है। ये संगठन आखा देश की अंदर लगभग 400 जेटली शाखाओ काम कर रही है। गुजरात की अंदर 82 उपरांत शाखाओ हिम्मतनगर जेवी काम कर रही है। आखा देश में 1600 प्रकल्प कायमी प्रकल्प है। अमारी कोटा ब्रांच की अंदर तो पोतानी मेडिकल कॉलेज आखो आईसीयू अने मोटर लगभग 60 डॉक्टर्स एक्सपर्ट डॉक्टर काम कर रहा है। मैं कोशिश हिंदी में ही करूंगा कि क्योंकि ये जो है सब हम जो जहां बैठे हैं वो राजस्थान में बैठे हैं। तो ये भारत विकास परिषद की जो स्थापना हुई वो 10 जुलाई 1963 में हुई और पूरे देश में 1400 शाखा के आसपास उसकी शाखा है और पूरे देश में 1600 सेवा प्रकल्प कायमी प्रकल्प चल रहे हैं। और हमारे कोटा जो है राजस्थान में वहाँ मेडिकल कॉलेज भी चल रही है और बड़ी हॉस्पिटल भी चल रही है। अहमदाबाद में 19 शाखाएं हैं, उसमें पालड़ी जो शाखा है वो विकलांग के